हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं आप? तो यहाँ पे दोस्तों मेरे थोड़े से प्लांट मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, तो इनको रिपोर्टिंग किया था तो ऐसे ही बीच में अभी रखे हैं। और मुझे आज दोस्तों अपने बोगनविलिया पे थोड़ा सा काम करना है। और देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है, फूल तो इसमें आ रहे हैं बट बहुत कम आ रहे हैं और ग्रोथ थोड़ी कम है इसकी। और हालाँकि अभी हमारे बोगनविलिया डोरमेंसी में है, तो अभी रिपोर्टिंग आप ना करें तो बेटर है। आप फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फिर उसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो लेकिन हम अभी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा प्लांट बिल्कुल से बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसी का सब वेस्ट भर दिया है। और यहाँ पे हम अपनी देखिए रूट्स किस तरह से इसमें ऐसी रूट्स हो गई थी, तो प्लांट बिल्कुल ऐसे नहीं बढ़ रहा है। तो हम इसको ऐसे रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मिट्टी में मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाया, थोड़ा सा उसमें मैंने गोबर की खाद मिला ली है। गोबर की खाद ये देखिए, ये रूट्स बिल्कुल ऊपर थी, इसको हम नीचे दबा देते हैं। ये इसकी ग्रोथ दोस्तों बिल्कुल रुक गई है। थोड़ी सी इसमें हमने गोबर की खाद दे दी है और थोड़ा सा इसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट नहीं था, मैंने इसमें DAP के कुछ दाने डाल दिए हैं। तो ये देखिए, और अब शायद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। इसकी रूट बिल्कुल ओपन हो गई थी, ऊपर से दिख रही थी, तो शायद इस वजह से ये प्लांट मेरा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। और कुछ टाइम पहले मैंने पिछले साल मैंने इसको पूरा कट कर दिया था, प्रून कर दिया था, और मैंने इसमें कोई खाद वाद नहीं दी है, काफ़ी टाइम से खाद नहीं दी है, तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही थी इसमें। और अभी मैंने खाद दे दी है, हालांकि अभी इसमें खाद देने का कोई टाइम नहीं है, बट फिर भी मैंने रिपोर्टिंग की है और तो खाद थोड़ी सी इसमें खाद दे दी है। अब देखते हैं कुछ टाइम बाद इसमें रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, सॉरी पत्तियाँ इसमें शुरू हो जाएंगी ग्रोथ। और ऐसे हम इसको कट भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो जहाँ से आपके फूल आ चुके हैं तो आप उनको कट कर दीजिए और वहाँ से फिर से नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर से फ्लावर आएंगे। यहाँ पे मेरी ये देखिए ग्रोथ आ तो रही है बट अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको रिपोर्टिंग कर दिया है। तो अब अच्छे से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे हम बस पानी डाल देंगे। और आपको अगर करना है बोगनविलिया की रिपोर्टिंग तो आप फरवरी में करिए, अभी मत करिए। मुझे थोड़ा सा ज़रूरी लग रही थी, मैंने इसलिए कर दी है। और अभी हम अपने प्लांट्स को कोई खाद भी नहीं देते हैं क्योंकि दोस्तों अभी हमारे प्लांट्स डोरमेंसी में रहते हैं, सो रेस्ट पीरियड रहता है इनका, इसलिए इनको खाद की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। बट अगर किसी प्लांट्स की ग्लूकोज ग्रोथ रुक गई हो तो आप इनको ऐसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो हो सकता है इसमें फिर से अच्छे से फूल आ सकें और पत्तियाँ में आ जाए कुछ टाइम बाद। अभी तो नहीं आएंगी बट कुछ टाइम बाद ज़रूर आ जाएंगी अच्छे से। और मैंने खाद दे दी है तो अब रेस्ट करेगा ये आराम से। तो और रूट्स भी बिल्कुल ओपन हो गई थी, ख़राब हो गया था मेरा प्लांट, तो अब अच्छे से हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने कटिंग भी लगा दी थी तो उनकी कटिंग भी लग गई है, देखिए वहाँ पे ये अलग से कटिंग लगी थी तो ये भी लग गई है। इनको हम अलग भी लगा सकते हैं और इसी में लगे रहने देंगे, मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं है तो मैं इसी में लगे रहने दूँगी। और मेरे कुछ और प्लांट इसकी कटिंग लगी है, एक दो जगह और लगी है, बस अब रहने देते हैं इसी में। एक ही 2 से 3 प्लांट काफ़ी है, फिर ज़्यादा प्लांट नहीं करना क्योंकि एक ही कलर है मेरे पास ये, और अभी बोगनविलिया का दूसरा कलर नहीं है। तो छोटा सा ही वीडियो दोस्तों, प्लीज़ फुल वॉच करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।